आज हम जिस मूवी की स्टोरी की बात करने जा रहे हैं, वह ट्रू इंसिडेंट पे आधारित है, जिसका नाम है डार्क फिगर ऑफ क्राइम, जो एक सीरियल किलिंग और ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन पे बनी है। किम नार्कोटिक डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव है। वह एक केस के सिलसिले में कांग नाम के एक आदमी से मिलने जाता है, मगर कांग उसे किसी मर्डर के क्राइम के बारे में बताता है। 5-6 साल पहले किसी ने कांग को एक प्लास्टिक बैग डिस्पोज करने के लिए दिया था, जिसमें टुकड़ों में कटी हुई बॉडी थी। किम उससे पूछता है, बैग डिस्पोज करने का काम उसको किसने दिया और वह बैग उसने कहाँ डिस्पोज किया। मगर कांग इन्फॉर्मेशन के बदले पैसे की मांग करता है। किम उसे $100 और अपना कार्ड देता है। तभी अचानक होमिसाइड डिपार्टमेंट के पुलिस आके कांग को गिरफ्तार करते हैं। इंचार्ज ऑफिसर किम को बताता है कि उन्हें कई दिनों से कांग की तलाश थी। कांग ने अपनी गर्लफ्रेंड सुजिन का मर्डर किया था। इस घटना के 3 महीने बाद कांग किम को फोन करके जेल में मिलने बुलाता है और उससे कहता है कि उसने और 6 मर्डर किए हैं, जिसका कन्फेशन वो किम को देना चाहता है। किम मर्डर केस के इंचार्ज ऑफिसर से मिलता है तो वो किम को बताता है कि इस तरह झूठ बोलने की कांग की पुरानी आदत है, तो वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे। फिर भी किम कांग से मिलने जेल जाता है। कांग किम से कहता है कि पुलिस ने झूठे सबूत बना के उसे जेल में डाला है, उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया है, मगर असली सबूत कहाँ है वो किम को बताएगा और पुलिस का झूठ सामने लाएगा। कांग चाहता है कि किम उसकी इसमें मदद करे और इसके बदले वो किम को उसने किए हुए दूसरे 6 मर्डर और डेड बॉडीज के बारे में बताएगा। किम को कांग की बातों पे विश्वास नहीं तो कांग उसे मैप निकाल के दिखाता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार के असली सबूत कहाँ छुपा के रखे हैं। अब किम कांग ने ड्रॉ की हुई जगह पे जाता है और वह सबूत हासिल करता है, मगर अब इससे यह साबित होता है कि पुलिस ने अदालत में पहले जो सबूत पेश किए थे वह फेक थे। तो अदालत उस इंचार्ज पुलिस ऑफिसर को नौकरी से निकालती है और कांग की फांसी रद्द होके उसे 15 साल की सजा होती है, जिससे सब लोग किम पे गुस्सा होते हैं। अब वादे के अनुसार कांग अपने दूसरे 6 मर्डर के बारे में किम को डिटेल्स देता है। अब किम कांग ने दी हुई मर्डर लिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने लगता है। यहाँ किम को होमिसाइड डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है। वहाँ का चीफ किम पे खुश नहीं है क्योंकि उसकी वजह से उसके डिपार्टमेंट का नाम पिछली बार बदनाम हुआ था। किम उसे कहता है कि वह कांग ने किए हुए अनसॉल्व मर्डर को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। ना चाहते हुए भी चीफ उसे परमिशन देता है। अब किम कांग के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए उसके घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कांग का बाप शराब पी के अपने बच्चों को और बीवी को बहुत मारता था, जिससे तंग आकर कांग की मां ने जहर पी के सुसाइड किया। तो उसकी 2 बहनों में से एक बहन ने पंखे से लटक के सुसाइड किया। किम कांग की सिस्टर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कांग का बाप भी 20 साल से लापता है। जब वह 7 साल के बाद भी वापस नहीं आया तो उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया था। अपनी माँ के मौत के बाद कांग जुए और ड्रग्स में चला गया। किम कांग ने दी हुई लिस्ट के 3rd विक्टिम के बारे में पूछताछ करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह आदमी जिंदा है, यानी कांग ने उसके मर्डर की झूठी बात बताई। अब किम कांग से मिलके उसे बताता है कि उसके लिस्ट का 3rd विक्टिम तो जिंदा है। कांग उससे कहता है कि इतने लोगों को मारने की वजह से उसे याद नहीं किसको मारा और किसको छोड़ दिया। अब असली इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किम कांग को कुछ पैसे और सनग्लासेस देता है। कांग अपनी लिस्ट के पहले नंबर के मर्डर के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता, तो वह नंबर 2 पे आता है, जो मर्डर एक क्लब डांसर का होता है। कांग किम को बताता है कि 2008 में वह कैब चलाता था, तो एक रात उसके कैब में एक लड़की बैठी जो बदतमीज थी, तो उसने उसे एक सुनसान जगह ले जाके मारा और उसकी आधी बॉडी को कब्रिस्तान में दफन किया, तो बाकी पार्ट्स को नदी में फेंक दिया। कांग किम को उस जगह का मैप बना के देता है। पहले तो किम कांग ने बताई हुई जगह पे जाके कंफर्म करता है कि ऐसी कोई जगह है। फिर वह यह कंफर्म करता है कि 2008 में कांग कैब ड्राइवर था, मगर किम के पास उस लड़की का नाम नहीं होता। तो अब किम कांग जिस एरिया में कैब चलाता था उस एरिया से उस साल कौन सी लड़की मिसिंग थी यह फाइंड आउट करता है। तो उसे पता चलता है कि ओजिन नाम की लड़की लापता है। उसे यह भी पता चलता है कि ओजिन क्लब डांसर थी। किम ओजिन के घर जाके उसकी दादी से मिलता है। ओजिन की दादी सिर्फ यही जानना चाहती है कि उसकी ओजिन जिंदा है या नहीं। अब किम वारंट निकाल के उस कब्रिस्तान जाके जगह जगह खुदाई करता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। तो चीफ उस पे गुस्सा होते हैं और उससे कहते हैं कि उसने एक झूठे क्रिमिनल की बातों में आकर वक्त बर्बाद किया है। मगर किम हार नहीं मानना चाहता तो वह अपने असिस्टेंट जो के साथ अकेला रात भर खुदाई करता है और उसके हाथ कामयाबी लगती है। उन्हें मिट्टी में दबी इंसानी हड्डी दिखाई देती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर किम से कहती है कि इतने सबूत
कांग पे इल्जाम लगाने के लिए काफी नहीं है, तो किम कांग को इंट्रोगेट करने जाता है। मगर इस बार कांग पूरी तरह मुकर जाता है कि उसने कभी किसी मर्डर के बारे में किम को बताया था और उसने किसी का मर्डर किया ही नहीं। उल्टा वह किम पे इल्जाम लगाता है कि उसने कांग को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए। कांग के पलटवार से पूरा केस बिगड़ जाता है। तभी फोरेंसिक के रिपोर्ट आते हैं जिसमें डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वह आधा कंकाल ओजिन का नहीं है। इनफैक्ट जिस लड़की का कंकाल है उसकी मौत ओजिन की मौत से कुछ साल पहले हुई है। अब किम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों हेल्पलेस हो जाते हैं। किम का पुराना बॉस उसे बताता है कि यही कांग की चाल है। कांग तुम्हारा इस्तेमाल करके अपने आप को कोर्ट में इनोसेंट साबित करना चाहता है। वह तुम्हें दूसरे फेक क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त करेगा। तुम मेहनत से सबूत ढूंढ निकालोगे जो कोर्ट में कांग पे इल्जाम साबित करने के लिए काफी नहीं होंगे। पुख्ता सबूत न होने की वजह से कांग उन क्राइम से बाइज्जत बरी होगा और फिर वह चालाकी से कोर्ट को बताएगा कि वह उस क्राइम में भी बेगुनाह है जिस क्राइम के लिए वह जेल में है। उसकी दलीलों में वजन आ जाएगा और कोर्ट उसे उस जुर्म के लिए कम सजा देगी या रिहा करेगी, और जब ऐसा होगा तब तुम्हारी बदनामी होगी। अब किम और उसका असिस्टेंट जो को भी यही लगने लगता है कि कांग उन्हें बेवकूफ बना रहा है। किम अब कांग ने दी हुई मर्डर की लिस्ट देखता है तो उसे समझ में आता है कि पहला मर्डर काफी साल पहले हुआ है जब कांग यंग था, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में मतलब नहीं। दूसरा मर्डर कैब में बैठी हुई अननोन लड़की का था जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तीसरे नंबर पे उस आदमी का मर्डर था जो तहकीकात करने के बाद जिंदा पाया गया। चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटी के सामने पिकअप की हुई लड़की का था जिसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पांचवें नंबर पे ओजिन थी मगर जिसका कंकाल मिला वो किसी और लड़की का निकला। अब रहा छठवां विक्टिम जिसको कांग ने चाकू से मारा था। यही एक विक्टिम था जिसे कांग ने बिल्डिंग के अंदर मारा था, किसी सुनसान जगह नहीं, तो उसकी रिपोर्ट होने के चांसेस थे। किम कांग से उस पांचवें विक्टिम के बारे में पूछता है तो वह उसे बताता है कि उसने उस आदमी को कैसे अंधेरी गली में पकड़ा और कैसे चाकू से उसे मार के जला डाला जिसमें उसका कोट भी जल गया था। अब किम जला के मारे गए विक्टिम के अनसॉल्व केस देखता है तो उसे वह केस नजर आता है जिसमें एक 20 साल के लड़के को पहले चाकू से फिर जला के मारा गया था। किम और खोज करता है तो उसे वह जैकेट भी मिल जाता है जो कांग ने जलने के बाद ठीक करने के लिए एक टेलर को दिया था। अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कांग को क्राइम सीन पे लाया जाता है। कांग उन्हें बताता है कि उस रात उसने उस लड़के का मर्डर कैसे किया। अब किम और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कांग के अगेंस्ट कोर्ट में केस खड़ा करते हैं मगर कोई भी सबूत यह नहीं दर्शाता कि उस रात कांग ने वह मर्डर किया। टेलर भी दावे के साथ नहीं कह पाता कि वह जैकेट कांग का ही है। अब डिफेंस के वकील किम पे पलटवार करते हैं कि किम ने अपना प्रमोशन पाने के लिए और अपने पत्नी की मौत की डिप्रेशन में झूठा केस खड़ा किया जिसके लिए किम ने कांग को जेल में जाके $10,000 भी दिए जो एक बड़ी रकम है। जिस चाकू से मर्डर हुआ उसकी ब्लेड पे कांग के उंगलियों के निशान नहीं थे और उस चाकू का हैंडल ही मिसिंग था। जिस जूते के निशान क्राइम सीन पे पाए गए वह भी कांग के जूते से मेल नहीं खाते थे, उसमें भी साइज के अलावा कुछ सिमिलैरिटी नहीं थी। किम कोर्ट को यही बयान देता है कि कांग के मुंह को खून की टेस्ट लग गई है, तो अब जब वह 15 साल के बाद जेल के बाहर आएगा वह फिर से मर्डर करना जारी रखेगा, वह रुकेगा नहीं। ऐसे खूनी को छोड़ना समाज के लिए घातक है। अब पुख्ता सबूत न होने के कारण कोर्ट कांग को उस छठे मर्डर के इल्जाम से बरी करती है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किम के बॉस ने कहा था। अब कांग कोर्ट में अपील करता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड सुजिन के मर्डर के इल्जाम से बरी किया जाए। किम का डिमोशन होता है। रात को घर जाते वक्त किम अपना डेस्क खाली करने लगता है कि तभी उसकी नजर उस कंकाल के फोटो पे जाती है जो उसे उस कब्रिस्तान में मिला था। उस मिट्टी में पड़े अनजान कंकाल के पास उसे IUD बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट दिखता है। उस सबूत को देख के मानो किम को अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। अब वह 2005 से 2007 के बीच शहर में जिन लड़कियों ने वह बर्थ कंट्रोल का इम्प्लांट लगाया है वह उसकी लिस्ट मंगवाता है और उसी पीरियड में मिसिंग हुई लड़कियों की लिस्ट को उससे मैच करता है, तो उसे पता चलता है कि मियोन नाम की एक ही ऐसी लड़की है जो मिसिंग है और उसने बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट लगाया था। किम को तहकीकात से पता चलता है कि मिसिंग की रात एक नंबर से मियोन को कई बार फोन किया गया था और दूसरे दिन से उस नंबर से एक भी फोन नहीं किया गया। किम को पता चलता है कि जिस फोन से मियोन को कॉल किया गया था वो फोन कांग की सिस्टर का है। मियोन की सहेली से किम को पता चलता है कि मियोन कांग की गर्लफ्रेंड थी और आए दिन उनमें झगड़े हुआ करते थे और मियोन को एक बड़ा लड़का भी था। किम मियोन के लड़के से पूछताछ करता है तो वह उसे बताता है कि उस रात उसकी माँ कांग को मिलने गई थी
मगर जब वह वापिस नहीं आई तो उसे लगा उसकी माँ कांग के साथ भाग गई। मगर उस रात मियोन कांग से अपने सभी रिश्ते तोड़ने गई थी। शायद इसीलिए उसने मियोन को मार डाला और उसकी आधी बॉडी कब्रिस्तान में गाड़ दी और आधी बॉडी को नदी में फेंक दिया। अब किम कांग की सिस्टर से मिलने जाता है, क्योंकि जिस फोन से मियोन को उस रात कॉल किए गए थे वह उसके नाम रजिस्टर था। किम को कांग की सिस्टर से पता चलता है कि कांग के लिस्ट में लिखा हुआ पहला मर्डर उसके बाप का ही था। कांग ने अपने बाप से तंग आके उसका मर्डर किया और उसे भी नदी में फेंक दिया। अब किंग कांग को जेल में जाके मिलता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है उसके लिस्ट के पहले और नंबर दो के लोगों के मर्डर उसने कैसे किए। कांग यह सुन के शॉक होता है। कांग को उसके बाप के मर्डर के जुर्म में तो सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि कोरियन कायदे के अनुसार 15 साल पहले किए हुए जुर्म की सजा नहीं दी जा सकती, जिसे स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन कहते हैं। और कांग के बाप का मर्डर 20 साल पहले हुआ था, मगर कांग को मियोन के मर्डर के जुर्म में सारे सबूतों के साथ कोर्ट में खड़ा किया जाता है। कोर्ट में मियोन का लड़का कांग को पहचानता है। अब टेलीफोन रिकॉर्ड, कांग और मियोन के निजी संबंध सब मद्देनजर रखते हुए कोर्ट कांग को उम्र कैद की सजा देता है। इस सक्सेस के बाद किम फिर से होमिसाइड डिटेक्टिव बनता है। अब वह कांग के लिस्ट में बचे बाकी विक्टिम की तहकीकात में लग जाता है, जिसमें पहला नाम ओजिन का है। किम जानता है कि कांग ने अपने सभी विक्टिम को उसी नदी वाले लोकेशन पे कई गाड़ दिया है, क्योंकि ओजिन के मोबाइल का लास्ट सिग्नल भी वहीं पे ट्रेस किया गया है। यहाँ कांग कुछ साल बाद जेल में सुसाइड करता है और कांग की लिस्ट के बाकी क्राइम भी शायद अनसॉल्व ही रहने वाले थे। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ट्रू इंसिडेंट पे बनी मूवी अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट में बताना और प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।